स्वागत है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के की उसमें चार पार्टियां दे रखी हैं और एक कांग्रेस के बारे में बता रखा है। हम सारी पार्टियों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आज लिया है सोशलिस्ट पार्टी और आज मैंने दिन में बैठ के इसमें से कुछ पॉइंट मैंने देखे, मुझे अच्छे लगे, मैंने वो नोट करे हैं। हालांकि आप अगर बुक से पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें इसका आंसर बनाने में शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि ये पार्टियाँ बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए सोशलिस्ट पार्टी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये पार्ट। सोशलिस्ट पार्टी में ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। पार्टी की शुरुआत 1934 में युवा नेताओं का एक ग्रुप था इनमें और ये कांग्रेस में ही शामिल थी फिलहाल पहले। तो इन युवा नेताओं के ग्रुप ने शुरुआत करी थी इसकी। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। कांग्रेस के समाजवादियों अलग हो गए और सोशलिस्ट पार्टी बना दी। क्यों अलग हो गए वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने क्या करा था, कांग्रेस ये पहले ऐसे होते थे कि इसमें भी शामिल थे अपने सोशलिस्ट वाले ग्रुप में भी और कांग्रेस पार्टी में तो ये थे ही। फिर कांग्रेस ने क्या करा 1948 में अपने संविधान, यानी कि हर पार्टी का जो अपना संविधान होता है कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में बदलाव करा और बदलाव करके ये बोला कि दोहरी सदस्यता कोई नहीं ले सकता, या तो वो कांग्रेस का ही सदस्य बन के रहे या फिर किसी अन्य पार्टी का रहे। तब इनके सामने समस्या आ गई कि अब तो भाई ने या तो सोशलिस्ट में रहना था या कांग्रेस में रहना था। तब इन्होंने क्या करा, मजबूरन कांग्रेस से हट गए, इन्होंने अपनी नई पार्टी बनानी सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर में आएगा, सिर्फ एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने क्या करा था, इसकी स्थापना करी थी और 1955 में कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका जो लक्ष्य है वो समाजवादी बनावट वाले समाज की है। यानी कांग्रेस चाहती है कि ऐसा समाज हो जो समाजवादी सिस्टम पर आधारित हो। तो जब कांग्रेस ने ऐसी घोषणा कर दी तो इनके सामने समस्या आ गई क्योंकि यही चीज़ें तो लेकर ये सोशलिस्ट आ रहे थे और वही चीज़ कांग्रेस ने कह दिया कि हम इस चीज़ की घोषणा कर देंगे, ये शुरुआत कर देंगे ये, तो इनको समस्या आई। उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके टुकड़े हो गए। हमें खाली ये याद रखना, देखो यहां से क्या पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, स्थापना इस टाइम पे हुई, कौन थे संस्थापक, आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे मैं बढ़ूँ तो ये याद रखना किस तरीके से, मतलब कांग्रेस ने क्या घोषणा करी। फिर मेन हमें ये याद रखना है, हर पार्टियाँ ज़्यादातर पार्टियाँ टूट गई थी तो टूट के उनकी जो नई पार्टियाँ बनी हैं वो कौन सी बनी हैं। तो दोस्तों इसमें देखो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये इसकी क्या थी, मुख्य पार्टियाँ थी जो बाद में मतलब इससे टूट कर बनी है। नेता ये हमेशा याद रखना कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे। तो मुख्य नेता याद रखने हैं जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। तो ये इसके कुछ मुख्य नेता थे जो कि इस पार्टी में शामिल थे। तो दोस्तों ये हमारे एक टॉपिक आज का हो गया सोशलिस्ट पार्टी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी एक दोस्त ने ये कमेंट किया था कि आपने जो लैपटॉप से वीडियो बनाई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके हैंडमेड्स जो नोट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी है दिन में टाइम निकाल के कि मैं लिख पाऊँ, जैसे मुझे टाइम मिला मैंने चैप्टर में से कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और